आपको बताएं एक बहुत अच्छे लेखक थे सुदर्शन सिंह चक्र उनका नाम था बहुत अच्छे लेखक महारि को अपना बड़ा भाई मानते थे हमारे महारि के गांव के पास का ही उनका शरीर था और गृहस्थ आश्रम से वो साथ रहे थे बनारस में एक बार ये दोनों मित्र गंगा किनारे किनारे पैदल जा रहे थे सुबह सुबह का समय ब्राह्मण मुहूर्त सूर्योदित हो रहा था इतने में चक्र जी हमारे महारि को भोले देखा क्या कि व्यविचारी पुरुष और व्यविचारिणी स्त्री सुबह सुबह मदिरा पी रहे हैं और वो भी गंगा के किनारे तो वो टिप्पणी करने लगे और हमारे महाराज जी का स्वभाव था किसी पर टिप्पणी नहीं करते थे कभी किसी की निंदा नहीं कभी किसी की कटिंग नहीं बहुत कुछ बोलते रहे वो चुप रहे कि कितने भ्रष्ट हैं कितने पापी हैं सुबह सुबह ये काम करते हैं वो भी गंगा के किनारे ये भजन करने का समय होना चाहिए अब भजन करने वाले सोचते दुनिया भजन करने लगे दुनिया भजन करने लगे तो सब काम कौन करेगा आप जरा विचार करो सब लोग सुबह माला लेकर के बैठ जाएं, तो तुमको चाय बना के कौन देगा सफाई कौन करेगा सबका बैलेंस चाहिए और प्रकृति में आपके आधार पर नहीं चलती सृष्टि वो चुपचाप सुनते रहे आठ दस किलोमीटर के बाद फिर लौटे जैसे लौटे तो देखा कि गंगा जी में सामने एक नाव पलट गई थी कई यात्री थे और नाव पलटी तो दोनों जो मदिरा पी रहे थे दोनों नदी में छलांग लगाए और कितने लोगों को बचा लिया जब बचा लिया तब तो मर्षि ने चक्र जी की ओर निहार करके कहा अब क्या कहना है आप जरा विचार करें हम भले ही दुर्बशन नहीं करते हम तो एक को नहीं बचा पाते इस संसार में सतोगुणी लोग भी चाहिए रजोगुणी भी लोग चाहिए तमोगुणी भी लोग चाहिए यह सृष्टि सतोगुण रजोगुण तमोगुण से चलती है आपको बताएं आपके शरीर में कफ बात और पित्त ये तीनों हैं आप सोचो कि कफ पूरा समाप्त हो जाएगा तो जिस दिन कफ समाप्त हो जाएगा ही समाप्त हो जाओगे जिस दिन पित्त समाप्त हो जाएगा ही समाप्त हो जाओगे हाँ इसमें बैलेंस बना रहना चाहिए ज्यादा जब बढ़ते हैं तब रोग बढ़ते हैं बैलेंस बिगड़ता है तब रोग बढ़ते हैं ऐसे समाज में बैलेंस बना रहना चाहिए कितना मटेरियल किसका है कितना सतोगुण कितना रजोगुण कितना तमोगुण मैंने अनुभव किया है कई बार व्रत रख करके केवल दुग्ध पर भी समय बिताया लौकी कच्ची खाकर समय बिताया साधर काल में तो जब यह ज्यादा हमने लौकी खाना चालू कर दिया रोटी भी नहीं खाता था लौकी ही खाता था दो बार खाऊं लौकी खाऊं कभी उबाल लूं कभी कुछ करूं उसका परिणाम ये हुआ कि सतोगुण इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया कि रात में नींद नहीं आती थी और नींद ना आए किंतु तो लेटे रहते थे तो जो भजन संख्या थी हमारी कम हो गई हमने उद्देश्य से किया था इसलिए कि आहार छोड़ूंगा तो जब ज्यादा हो जाएगा किंतु उल्टा मामला हो गया नींद नहीं आती थी किंतु लेटा रहता शरीर काम नहीं करता था जब मैं बैठूं तो लगता था लेट जाऊं फिर जब मैंने यह किया तो पूछा जा करके जिससे आराधना कर रहा था उन्होंने कहा बैलेंस बिगाड़ दिया है शरीर का बैलेंस बनाओ आहार का बैलेंस बनाओ भजन करना है तब भी उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही उन्होंने कहा वीणा के तार अगर धीरे छोड़ दोगे ढीले तब भी स्वर नहीं निकलेगा और ज्यादा कस दोगे तो तार टूट जाएंगे तब भी स्वर नहीं निकलेगा ये शरीर आपकी वीणा है इसके तारों को उतना कसना है जितना स्वर आ सके आप इसको इतना ज्यादा मत कसो कि टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि स्वर ना आए यह साधन इसलिए गुरुजनों के अंडर में करना चाहिए मनमुखी नहीं कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर हो जाएगा सतोगुण सतोगुण चाहिए शरीर में अध्यात्म के लिए किंतु रजोगुण तमोगुण भी चाहिए नहीं तो फिर निद्रा नहीं होगी और कुछ कार्य करने का मानस नहीं होगा आपका लक्ष्य ही छूट जाएगा इसलिए बहुत ध्यान देने की बात मैंने निवेदन कर रहा था तो ध्रुव जी महाराज के जीवन से सीखने लायक प्रथु जी के महाराज के जीवन से सीखने लायक प्रथु जी महाराज ने सबको सबको दिया है